अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने भरा नामांकन पत्र। नामांकन भरने से पहले अंधेरी ईस्ट के गणेश मंदिर मालपा डूंगरी इलाके से निकाली गई रैली। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुषमा अंधारे को मिली जान से मारने की धमकी। सुषमा जी ने कहा कि ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं, पुलिस ने खुद मुझे पहले बताया कि इनपुट मिला है कि आपको जान का खतरा है। दिवाली और आने वाली छुट्टियों को देखते हुए एमएसआरटीसी चलाएगी 1500 अतिरिक्त दिवाली स्पेशल बसें। 21 से 31 अक्टूबर तक सड़कों पर नजर आएंगी स्पेशल बसें। बीएमसी ने 2551 किलोग्राम जब्त किया प्लास्टिक। 494 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर वसूला 24 लाख रुपए। बीएमसी ने कुछ महीने पहले ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया था प्रतिबंध। दिवाली से पहले आम जनता को लग सकता है बड़ा झटका। महावितरण ने बिजली के बिल बढ़ने के जताए आसार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वाले आरोपी को दी राहत। डिग्री नहीं की रद्द। कॉलेज द्वारा लगाए गए जुर्माने को रखा बरकरार। छात्र ने एडमिशन के लिए बनवाया था फर्जी जाति प्रमाण पत्र। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 8 करोड़ रुपए का सोना किया जब्त। बेल्ट में करीब 16 किलोग्राम सोना छिपा रखा था छड़। मुंबई समता नगर पुलिस ने एक फिटनेस ट्रेनर को कनाडा का वर्क वीजा दिलाने के बहाने एक महिला से 13 लाख रुपए ठगने के आरोप में पुणे से किया गिरफ्तार। अब 50 छात्रों को मिलेगी महाराष्ट्र सरकार की विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति। विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति लाभ का मौजूदा संख्या में 5 गुना किया गया इजाफा। कस्टम टीम ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक से 22 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी की बरामद। बिस्किट के पैकेट में छुपा कर रखा था करेंसी। एक 63 वर्षीय विधवा महिला हुई साइबर धोखाधड़ी के शिकार। बीमा कंपनी का अधिकारी बन किया था 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी। नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दक्षिण मुंबई के डोंगरी में एक 58 वर्षीय सुरक्षा गार्ड हुआ गिरफ्तार। ट्यूशन जाते वक्त बच्ची से किया था दुष्कर्म। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले छात्रों के लिए सरकार की तरफ से आई राहत भरी खबर। इस साल भी ऐसे छात्रों को नहीं भरना होगा फीस। सरकार ने माफ की फीस। करवा चौथ पर कमाल जमकर हुई खरीदारी। बिक गए 3000 करोड़ के सोने के गहने। त्योहारी सीजन में सराफा बाजार हुआ गुलजार। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई के मालाड से गिरफ्तार हुआ आतंकी। मोहाली ग्रेनेड अटैक से जुड़े हुए हैं तार। उद्धव राज्य में मुख्यमंत्री का पद बरकरार रख सकते थे अगर उन्होंने संकट के दौरान अनुभवी राजनेता छगन भुजवल से मदद मांगी होती। एनसीपी नेता अजित पवार ने सुझाया भुजवल वाला फॉर्मूला। उद्धव ठाकरे की टीम ने चुनाव आयोग को बताया पक्षपाती। चुनाव आयोग की दर्ज की शिकायत। भारत पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को लगा बड़ा झटका। 2023 से 27 में नहीं होगी एक भी मैच। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा मैच खेलेंगी। मनसे नेता अमित ठाकरे का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत। मराठवाड़ा दौरे के दौरान लोगों से हाथ मिलाया और ज्यादातर कार्यकर्ताओं के साथ ली सेल्फी। मुंबई के अंधेरी में ठाकरे गुट का शक्ति प्रदर्शन। हाथ में मशाल लिए सड़कों पर एमबीए कार्यकर्ता ऋतुजा लटके के नामांकन पत्र से की प्रदर्शन। गेटवे ऑफ इंडिया जल्द ही चमकेगा। बीएमसी के अधिकारी के मुताबिक गेटवे ऑफ इंडिया के सौंदर्यकरण पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठाणे में बड़े पैमाने पर मनाया गया करवा चौथ। वार्ड नंबर 22 की ओर से महिलाओं के लिए ठाणे के वार्तन रोड क्षेत्र में तैयार किया गया सेल्फी पॉइंट। एक तरफा प्यार के चलते महिला पर एसिड अटैक। रामनगर थाना क्षेत्र के उद्यान में हुई थी घटना। इस्लामापुर एनसीपी पार्षद ने की हवाई फायरिंग। हजारों लोगों की मौजूदगी में हुई थी घटना। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले पर की मुलाकात। 15 से 20 मिनट की हुई मुलाकात। परमवीर ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर पुलिस अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए वसूलने का लगाया आरोप।